तो इस बार मैं अपना फील बनाने नहीं आया, मैं आप लोगों के लिए अपने 56 कंस्टिट्यूएंसी के लिए काम करने आया हूँ। और उम्र तो कम है जरूर, लेकिन काम करने की जोश और जो ताकत है सबसे ज्यादा हमारे पास होंगी। हमारे वुमेन्स टीम से यही रिक्वेस्ट था कि वुमेन लोगों के लिए कमिटी हॉल बनाया जाए, तो हमने कहा जरूर क्यों नहीं। लेकिन उसके साथ साथ कम्युनिटी हॉल बनने के साथ साथ उनके साथ यह भी प्रॉमिस किया कि उस कम्युनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वुमेन्स ग्रुप ही करेंगे। और यूथ को लेकर बहुत से लोग हैं जो हमारे बीच में कि ग्रेजुएशन होकर भी ऐसे बैठा हुआ है क्योंकि कोई एम्प्लॉयमेंट भी वो सोच नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो एक आपको जरिया नहीं दिखा पा रहा एक लीडर्स के तौर पे। तो यूथ्स को भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस बार वो समय चला गया, अब मैं भी खुद यूथ हूँ, खुद अपना स्टार्टअप करके आया, बिजनेस कैसे करते हैं वो सब तकलीफ देख कर आया, तो वो ही तकलीफ आप लोगों के साथ नहीं दोहराया जाएगा क्योंकि इस बार हम लोग पूरे टीम बनाकर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सारे को उनके साथ मिलाकर हम लोग एक यूथ की एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारा स्टार्टअप हम लोग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप स्पेसिफिकली हम खेती में देखा जाए तो टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है, और उसमें भी एक स्पेसिफिक, टाइम बहुत कम है तो स्पेसिफिक एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इंसानों का वो सिर का हड्डी ह्यूमन स्कल्स शायद हमारे यहाँ पे एक दो गांव में ही है, एक तो लबनान में है, एक खेती में। तो आप सोच के देखिए लोग एक छोटा सा पेड़ का फूल देखने के लिए शिलोंग तक जाता है चेरी ब्लॉसम देखने, तो आप सोच के देखिए इंसानों का स्कल देखने कितने सारे टूरिस्ट आ सकते हैं, और आते भी हैं। बस वही है कि एक्सपोजर नहीं है हम लोगों के बारे, लोगों को इतना पता नहीं है, तो वो सब चीज़ों को लेकर भी हम लोग बहुत सारे एक्सपोजर लेकर आ सकते हैं हमारे स्टेट में भी, ऑल ओवर इंडिया में भी। शायद ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ह्यूमन स्कल्स मिला जाएगा, इतना लंबा हिस्ट्री, तो वो सब चीज़ों को भी लेकर हम एम्प्लॉयमेंट की नज़र पे टूरिज्म को हम बहुत बढ़ावा देंगे। तो यूथ्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए होगा। और सीनियर्स को मैं आज कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स आए सब यंग हैं, एनर्जेटिक है, और खुद को हम लोग स्मार्ट इंटेलिजेंट भी कह रहे हैं, लेकिन है तो है, लेकिन एक कहावत है कि ओल्डर बट वाइजर, क्योंकि उन लोगों ने जिंदगी देखा है, बहुत सारी चीज़ें होता है रिपीट होता है। तो हम अभी यंग है, हम सोचते हैं कि हाँ ये सही होगा, इसको करेंगे, पूरे एकदम जोर से जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि आगे जाके क्या होगा, क्या वो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा होगा या खराब होगा। तो वो चीज़ हम लोगों को बताने वाला हम लोगों के सीनियर्स ही होंगे, इसलिए बोलते हैं कि आप जितने एज हो जाते हो उतना ही आपका विजडम बढ़ता जाता है। तो आज विजडम वही है कि कौन क्या सही क्या गलत होगा हमारे सोसाइटी के लिए, वो हमारे सीनियर्स ही हमें दे सकते हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट वही है कि हम आप लोगों से चढ़ के नहीं जा रहे, लेकिन आप लोगों की गाइडेंस हमें बहुत ज़रूरत है। और एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे कल्चर बहुत बड़ी है लोवंग जी को लेकर भी, और जो सिस्टम्स हैं, तो सबसे पहले सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स तो आता जाता है, लीडर तो आता जाता है, लेकिन जो हमारे राजा है, जो हमारे लोवंग है, वो पहले से थे, अब भी है, कल भी रहेंगे। तो हमें अपना रीति रिवाज और कल्चर को भूल नहीं जाना चाहिए इस पॉलिटिक्स के चक्कर में, तो हमें अपना कल्चर प्रिजर्व करना चाहिए और अपना सिस्टम को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए।